ओके विनय, तो सारी बातें ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था, ऑनलाइन था या ऑफलाइन था? मेरे एग्ज़ाम का पैटर्न ऑनलाइन ही था। ऑनलाइन था, ठीक है। अब थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या था, और किस जैसे सिलेबस क्या था एग्ज़ाम का, टेक्निकल सिलेबस क्या था और नॉन टेक्निकल सिलेबस क्या था हमारे एग्ज़ाम का? सर उसमें जो टेक्निकल और नॉन टेक का था उसको डिवाइड कर रखा था। टेक्निकल का भी 100 नंबर का था, नॉन टेक का भी इसमें 100 नंबर का था उसमें। और टेक्निकल में सब्जेक्ट वाइज था, लेकिन उसमें एक्चुअली पर्टिकुलर दिया नहीं था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं। तो व्यूअर्स, 100 नंबर का टेक्निकल था और 100 नंबर का नॉन टेक्निकल था। टेक्निकल में हमारे साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक RCC होता है, स्टील होता है, सर्वेइंग होता है, SOM होता है, FM होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। टेक्निकल एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है, तो टेक्निकल के बारे में थोड़ा सा बताइए विनय कि टेक्निकल में आपने किस तरह से अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन थे, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा लगा आपको, ये बताइए थोड़ा सा। उसमें जो टेक्निकल का था सर, उसमें BMC था जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें BMC के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। उसके बाद सर्वेइंग भी था, 8 से 10 क्वेश्चन उसके भी थे। और स्टील था, उसमें 5 से 7 क्वेश्चन स्टील के थे। FM था, 8 से 10 क्वेश्चन थे। RCC, सर्वेइंग, FM, RC और स्टील था, और जो BMC, ये मेजर सब्जेक्ट थे जो मेजर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं से ज़्यादा था। और एरिकेशन और जो हाइड्रोलिक वगैरह जो होता है उनसे भी क्वेश्चन थे, लेकिन उनसे वेटेज कम था। तो पेपर का पैटर्न विनय बेसिकली कैसा था, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल? मतलब तुम्हें ऑब्जर्व किया होगा तुमने पेपर, तो तुम्हें कैसा लगा, कैसा न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा था या फिर थ्योरेटिकल ज़्यादा था? उसमें जो पोर्शन था उसमें थ्योरेटिकली ज़्यादा पोर्शन आया था, 70-80% के आसपास उसमें थ्योरेटिकल था, न्यूमेरिकल था। लेकिन जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे उनमें बस वैल्यू पुट करो गेट द आंसर वाला था, और उसमें कुछ था नहीं न्यूमेरिकल में, ज़्यादा न्यूमेरिकल थे नहीं उसमें। व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं नोट करना इस बात को कि पोर्शन जो था वो थ्योरेटिकल ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल। सो प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है ऐसे ही फॉलो करना टेक्निकल के लिए, जैसे विनय फॉलो कर रहे हैं, ठीक है विनय? सो थ्योरेटिकल ज़्यादा था। अब हम आते हैं थोड़ा सा नॉन टेक की तरफ कि नॉन टेक का पोर्शन कैसा था, ठीक है? नॉन टेक का था सर, उसमें था, उसमें GS था, उसमें MP स्पेशल भी ऐड कर रखा था उन लोगों ने। और जो 16 नंबर का जो उसमें GS था तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन तो ओवरऑल GS से थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें थे वो MP से भी आए थे। और उसमें कंप्यूटर भी था 14 नंबर का, हिंदी भी 14 नंबर का था, साइंस भी था उसमें 14 नंबर का, रीजनिंग भी था 14 नंबर का, एप्टीट्यूड भी था उसमें। जो नॉन टेक के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें सारे ही थे। विनय ने जैसा बताया कि पेपर का पैटर्न जो था हमारा टेक और नॉन टेक दोनों पे बेस्ड था, और कुछ उसमें MP के भी क्वेश्चन थे। तो जो भी MP JEE की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि बी मोटिवेटेड और प्रिपरेशन की एक स्ट्रेटजी बनाओ हमेशा, ठीक है? कैसे प्लान करना है, कैसे रिविज़न करना है, कहाँ से तुम्हें कौन सा सिलेबस लेना है, इन सब चीज़ों पर फोकस करोगे तो 100% तुम्हारा भी एग्ज़ाम निकलेगा एज लाइक विनय, ये बिल्कुल गारंटी वाली बात है। विनय और कुछ लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को? मेरा कहना है कि ये कोई भी एग्जाम होता है हार्ड नहीं होता, लेकिन बस हम लोगों का स्ट्रेटजी अच्छा होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या स्किप करना है, ये सबसे मेन टारगेट होता है उस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे जब हम लोगों के पास कम टाइम होता है। टाइम यदि काफ़ी होता है तो हम सारा सब्जेक्ट सिलेबस कवर कर सकते हैं, लेकिन जब टाइम बहुत कम हो तो हम नहीं कर सकते। मेरे पास भी टाइम बहुत कम था तो मैंने बहुत से सब्जेक्ट को स्किप करना पड़ा था, तो जो मेन पॉइंट था वही मैं पढ़ता था। और मेरा एक ही टारगेट रहता था, जो क्वेश्चन मैं पढ़ता था उसको अगले दिन भी रिवाइज करूँ और उसको 15 दिन बाद भी पढ़ लूँ, तो इस हिसाब से मेरा रिविजन भी हो जाता था जल्दी जल्दी। विनय का कहने का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ पढ़नी है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली बात है कि कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है, क्योंकि अगर तुम उस चीज़ को देखोगे तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी ज़्यादा होंगी जो कि नहीं पढ़नी है, और उसमें हम अननेसेसरी क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ भी हमें जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ हमें नहीं पढ़नी है, कितना हमारा, अगर इतना हमारा स्ट्रेटजी होगी, इतना हमारा प्रोपोर्शन है, तो कैसे हम रेशो में डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को, ये भी देखने वाली बात है। एग्जैक्टली विनय? यस। ओके यस सर, यही था सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू विनय।